भारतीय जनता पार्टी पठानकोट के बट वृक्ष कहे जाने वाले दिग्गज नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल ने टुडे हेडलाइंस के साथ खास बातचीत की और अपने विचार रखते हुए पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कोविड काल में नाकाम रहने के आरोप लगाए हैं। वहीं मास्टर मोहनलाल ने कैप्टन सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। सांसद सनी देओल की गैर मौजूदगी के सवाल पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने पर पूछे गए प्रश्न पर अपने उत्तर में मास्टर मोहनलाल ने कहा है कि जब तक अश्विनी शर्मा अपनी पूरी ताकत के साथ पार्टी के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो मास्टर मोहनलाल को कभी भी आगे नहीं आने देंगे। सेकंड वेव कोरोना दी बड़ी खतरनाक वेव है, ये सारे पंजाब के लोगों के सामने मैं अर्ज करना चाहना, जिन्ना इस कोरोना चों तुसी अपने आप नूं बचा लोगे उन्ना ही अच्छा है। घट बाहर निकलो, डिस्टेंस रख करके गल करो, मास्क पा के जाओ, हाथ मुँह धो के गल करो। जिथों तक तुसी प्रश्न किया है कि भई पंजाब सरकार कितों तक कामयाब हुई है, मैं निवेदन करना चाहता, पंजाब सरकार हर मसले ते फेल है, हर गल ते फेल है। कोरोना महामारी च उन्हां दी कोई एक नीति ही नहीं हैगी, कदे दुकाना खोल देंदे ने, कदे दुकाना बंद करा देने, कदे 5 to 7 बजे तक दुकाना करते ने, कदे 9 to 2 बजे तक करते ने। हुण पता लगा कि सोमवार तो दुकाना 5 बजे तक खुलनगियां। अगर इस तरीके दियां नीतियां पंजाब सरकार दियां चलदी रहियां, ना वैक्सीन का प्रबंध किया, ना ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध किया, ना हस्पतालों च बैडिंग का प्रबंध किया, तो ये कोरोना बहुत मारू साबित हो रहा है। इसने बहुत कीमती जाना लिया है। मैं घर बैठा पिछले 2 महीने तो लगातार ये सुन रहा कि 10 टेलीफोन मैंने रोजाना आए देने कि फलाने फलाने की डैथ हो गई कोरोना तो, और मेरे वर्ग का आदमी जा भी नहीं सकता। सो केंद्र सरकार ने जिथे भरसक प्रयत्न किए ने, उत्थे मैं पंजाब सरकार नू भी बेनती करना चाहना, जिन्हें भी हैल्थ सर्विस सेंटर ने तुहाडे उन्होंने एक्टिवाइज करो, बैड प्रोवाइड करो, वैक्सीन प्रोवाइड करो, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करो, और जिहड़ियां दवाइयां ने उन्होंने ठीक तरीके दे नाल उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके नाल जिहड़ी है वेव इस पंजाब च चलाई जानी चाहिए है। और घट तो घट कोरोना तो आदमी मरण इसकी चिंता पंजाब सरकार नूं होना चाहिए है। पंजाब सरकार आपसी झगड़िया उलझी पई है, कोई मिनिस्टर उधरों बोलता है, कोई MP उधरों बोलता है, कोई किसी तरह की गल करता, कोई किसी तरह की गल है। अज कोरोना काल च सारिया राजनीतिक पार्टियां एक मुठ होकर के कोरोना के नाल लड़ाई लड़नी चाहिए है, पर दुर्भाग्य है साढ़े पंजाब का कि कांग्रेस आपस च लड़ी जाती है। सो सरकार और जिहड़ी पंजाब सरकार के मंत्री ने जो मर्जी करन, मैं लोगों को हाथ जोड़ करके बेनती करना चाहना, इस कोरोना महामारी च अपने आप को बचाने की कोशिश करो, आपे बचो और सारे समाज को बचाओ, यही बेनती कर सकना। सरकार कुछ करे ना करे, पर तुसी अपने आप को बचाने की कोशिश करो। जय हिंद दोस्तों। सनी देओल इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अदाकार है, मेरे वर्गा छोटा जिन्ना कार्यकर्ता कोई कमेंट उसकी राजनीति के बारे जरे करे या फिल्मों के बारे करे, ये अच्छी गल नहीं होगी। ये प्रश्न तुसी पार्टी प्रधान को पूछ सकते हो या सनी देओल को पूछ सकते हो, मेरे वालों कोई कमेंट ना लवो, अच्छी गल नहीं लगेगी। धन्यवाद। जरूर जी, जो पार्टी कृपा करेगी, पार्टी ध्यान करेगी, तो जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। लड़ेंगे ही नहीं, जित के दसांगे, कोई भी कैंडिडेट होएगा मेरे मुकाबले च अगर पार्टी टिकट देंदी है, तो कोई भी कैंडिडेट होएगा मैं हरा करके आवांगा। पर दूर दूर तक मैं नज़र मारा, मैनू नहीं लगता कि जब तक अश्विनी सर्वे सर्वा सर्वशक्ति संपन्न है, इस पंजाब की राजनीति च एक मात्र एक छत्र जिसका राज्य है, वो मास्टर मोहन लाल नूं राजनीति च फिर दोबारा उभरन देगा, ये कदे नहीं हो सकता। उसने एक ऐसी दीवार मेरे सामने राजनीतिक अनेरगर्दी की खड़ी की है, अंधे युग की खड़ी की है, जिसनों ना पार्टी लंघ सकती है, ना मैं लंघ सकता, ना कोई होर लंघ सकता।
ये अश्नी ही लंघ सकता, अश्नी शर्मा जिहड़ा सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्ति मान है, उही कर सकता जो कुछ करना हो। बाकी किसी बेचारे मेरे वर्गे छोटे जिने कार्यकर्ता की कोई कीमत नहीं है। मैं पार्टी से पिछले 12 साल तो अश्नी ने नुकरे लाए थे, ता भी मैं कुछ नहीं बोले, मैं कोई गल ही नहीं करता किसी के खिलाफ। अश्नी जो करता करी जाए, अपना सानू कोई इतराज नहीं। पर जे पार्टी कृपा करेगी, पार्टी का अगर सबला दृष्टिकोण मेरे प्रति होया और उन्होंने 22 के इलेक्शन मैं टिकट दी, तो जरूरी तौर पर जीत के देंगे। देखो तुसी बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया। अकाली और बीजेपी का अलायंस जो 1967 होया सी, मैं उदो नौजवानों का प्रधान सीगा, बड़ा अच्छा गठजोड़ चल रहा सीगा। पता नहीं अकालिया ने क्यों आपस में तोड़ लिया। अकालिया च जितों तक जान की गल है, हुण इस उम्र च तो मैं मुसलमान बनना नहीं है। जिस उम्र च मैं 70 पार कर ली, हुण इस उम्र च मैं कित्थे धक्के खांदा रहांगा, कदे अकालिया च कदे किते, कोई गल नहीं। अप्रोच मैनूं बड़िया लोगों ने किया, बड़िया पार्टियां ने अप्रोच किया, पर मेरा ये अकीदा, मेरा मन, मेरी आत्मा, जिस पार्टी ने मैनूं रुतबा दिता, जिस पार्टी ने मैनूं इज्जत मान सम्मान और मंत्री पद बख्शे, मैं इस उम्र च उस पार्टी नूं डाज करा, मैनूं ये अच्छा नहीं लगता है। पार्टी टिकट दे दे ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, बस बैठे हैं घर यार, कोई गल नहीं है। 12 साल तो घर बैठे ही है ना, 12 साल के बाद रूड़ी नहीं सुनी जाती है, शायद साड़ी भी पार्टी सुन ले। ये मैं बेनती करना चाहना, तुसी बहुत अच्छे प्रश्न किए ने, तुहाडी मेहरबानी है। ये टूडे हैडलाइंस जिहड़ा टैलीविजन है, मैं इसका बड़ा मशहूर हाँ कि बड़ी दुख की रग ते मेरे ते हथ रखे, बहुत कृपा तुहाडी सारयां दी। जींदे बसदे रहो और पंजाब, बड़ा पंजाब और पठानकोट के लोग खुश रहन, आबाद रहन, यही बेनती मैं सारे नूं करना चाहना। जय हिंद जी। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स, सीलिंग, फर्नीचर एंड डोर पैनल एंड एलिगेंट लुक। Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113।